एक भी बात नहीं सुनूंगा लक्ष्मी, जितना सुनना था तुम्हारा सुन चुका हूँ, अब तुम मेरी एक बात सुनो और आखिरी बार सुनो। टूटा ऋषि और लक्ष्मी का रिश्ता। आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं अभी के अभी तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर, इन सब चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम। बिल्कुल सही कहता है मेरा भाई, सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं। जब से घर में आई हो, जिस दिन से घर में आई हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ऋषि का गुस्सा। अशुभ हो, मनुष्य हो और मर्डर भी हो। अलग हुए मियां बीवी के रास्ते। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में ऋषि के पापा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी घर वाले इन सब के पीछे लक्ष्मी का हाथ ही मानते हैं। और अब तो ऋषि ने भी लक्ष्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। जरा देखिए कैसे ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़कर सभी घर वालों के सामने खींच लाया और एक एक कर उस पर इल्जाम लगाने लगा। सब चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम। बिल्कुल सही कहता है मेरा परिवार, सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं। जब से घर में आई हो, जिस दिन से घर में आई हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ना घर में खुशियां बची है, ना सुख, ना चैन, कुछ भी नहीं। और अब तो जिंदगी भी दांव पे लग गई। मनहूस हो तुम, अशुभ हो, मनहूस हो और मर्डर भी हो। अरे जो लड़की अपने सगे माँ बाप की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या होगी? जिस लड़की ने अपने खुद के माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दिया, वो हमारे माँ बाप, मेरे माँ बाप को क्यों नहीं देगी? उन्हें भी मार देगी, उन्हें भी खत्म कर देगी हमेशा। तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक धोखा। एक भी बात नहीं सुनूंगा लक्ष्मी, जितना सुनना था तुम्हारा सुन चुका हूँ, अब तुम मेरी एक बात सुनो और आखिरी बार सुनो। आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं अभी के अभी तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। इतनी नफरत करने लगा हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, ना आज ना कल, कभी भी। इसलिए अपनी जिंदगी का बोरा बांधो और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। Just go, get out! दो तीन दिन से तो हम इतने सीरियस सीन्स कर रहे हैं कि हम पूरा पूरा दिन रो रहे हैं और बहुत ही सीरियस चल रही है अभी कहानी, क्योंकि हमें पता लगा है कि वीर कोमा में है और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका, वो गिर गए। और यहाँ पर मलिष्का ने हमें वीडियो दिखा दिया है कि लक्ष्मी गाड़ी के नीचे थी, चाहे वो बच्ची थी, पर उसने हमें इतना प्रूफ दिखा दिया सबको कि वो गाड़ी के नीचे कुछ कर रही थी, तो हम सब ने ऑब्वियसली मान ही ली है वो बात। बट ऑडियंस के लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ आई है और लक्ष्मी की फैमिली के लिए भी गुड न्यूज़ आई है कि लक्ष्मी ठीक हो गई है। और उसका रेवलेशन भी इस पूरे ड्रामे के बीच में हुआ, तो हमें भी रिएक्शन समझ में नहीं आया और हमने उसको भी नाटक बता दिया कि ये तो लक्ष्मी नाटक ही कर रही थी, इसका मतलब अचानक ठीक कैसे हो गई। तो ये पूरा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर डल गया है और बहुत तमाशा हुआ है। और मैं तो वैसे ही उसे मौका नहीं छोड़ती सुनाने के लिए, तो ये तो बहुत ही बड़ा मौका मिल गया, मतलब स्पेशली नीलम और करिश्मा को और सोनिया को भी। और हमने बहुत बहुत सुनाया है उसे और बेचारी लक्ष्मी, आई मीन ऑफ स्क्रीन तो आप यही कहेंगे कि बेचारी, मतलब उसको भी एक्चुअली वीर जी से बहुत अटैचमेंट है, वो अपना बाऊजी मानती है उन्हें, तो बेचारी वो तो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है। और यहाँ पर हमने ऋषि को भी कन्विंस कर लिया है बाय द वे। तो अब तक तो ऋषि बार बार हमारे अगेंस्ट जाता था, उसका साथ देता था, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब ऋषि ने भी वो वीडियो देख लिया है और हमने बोल बोल कर ऋषि को भी कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया है कि इसमें लक्ष्मी की ही गलती है। भाई ऋषि ने आज लक्ष्मी को ऐसी कड़वी बातें कही हैं कि लक्ष्मी का दिल ही टूट गया, इसीलिए वो तो वहाँ से चली गई। लक्ष्मी की डेथ हो गई है तो हमारा नया प्रोमो यही है, तो आई थिंक इस कहानी का दी एंड तो उसी के साथ हो रहा है। तो अब अगली कहानी में लक्ष्मी कैसे आती है या नहीं आती है या आती है, अभी वो भी पूरा सस्पेंस है, क्योंकि यहाँ तो अभी कहानी का बहुत ही सैड दी एंड हुआ है एक्चुअली। मतलब ऋषि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रहा है और उसकी बहनों ने उसको आके बताया कि ब्लास्ट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, जो कुछ भी हुआ है, बट लक्ष्मी की मौत हो गई है। इस तरह अभी
आज एक प्रोमो रिलीज हुआ है, तो अब नई कहानी में क्या लक्ष्मी वापस आएंगी, क्या लक्ष्मी वापस नहीं आएंगी, ये छोटी लक्ष्मी कैसे आएगी, ये सब एक सस्पेंस अभी मेरे लिए भी है। तो इनफैक्ट मैं भी बहुत ही उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि ये सब कैसे होने वाला है, बट फिलहाल यही है कहानी का अपडेट। अब देखना होगा कि लीप के बाद की कहानी कितनी रोमांचक रहेगी। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 चॉकलेटी एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।